लड़ाई में जाई भोज पे अलमटेन अलमटेन तो के में से 20 पड़ा तो अभी नजर आवत अभी के बता दिया माने अब तो जुई में जोखले नेता अपराध करने के लिए बना है क्या? सुनिए नेता अपराध के लिए सुनिए अब हमारी बात सुनिए नेता ना 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 तो कर नेता अपराध कर अच्छा अपराधी नेता है गोपालगंज में बहुत सारे कौन कौन सा नाम बता बहुत सारे अपराधी नाम तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में और मेरा नाम है मंतोष। हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज में। गोपालगंज में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ खेत खलियान जी भी है और यादव जी भी हैं यहाँ पे। और गोपालगंज में एक जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये सारे लोग गोपालगंज के वोटर हैं और गोपालगंज में जो उपचुनाव है उसका मतदान जो है वो 3 नवंबर को होने वाला है और 6 नवंबर को उसकी गिनती हो जाएगी। उसके बाद से शोर शराबा खत्म हो जाएगा। हम जानने के लिए चले हैं कि अभी हालिया परिस्थिति में यहाँ पे कौन आगे है कौन पीछे है किसकी क्या हालात है। फिलहाल 11 नामांकन यहाँ पे हुए थे, 2 नामांकन वापस लिए जा चुके हैं। फिलहाल 9 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में टिके हुए हैं और इसमें से जो 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच में लड़ाई ये लोकतंत्र का घमासान होने वाला है। इनमें से हैं भाजपा के हैं, राजद के हैं, उसके बाद से ओबीसी के पार्टी से भी एक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने व्यक्तित्व के बल पे गोपालगंज में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। उनका काम यहाँ पे बोलता रहता है और वो है साधु यादव जी। तो चलिए अब हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले एक लड़का है जो अभी फिलहाल में इस चुनाव में ही ये वोट देने वाला है और इनका नाम है क्या नाम हुआ आपका? हैदर अली इनका नाम है। आप किसको वोट करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट हमें यही बता दें। हम तो साधु यादव को वोट करेंगे। वैसे जो मुस्लिम मतदाता हैं वो खास तौर से राजद के लिए जाने जाते हैं कि राजद के ये लोग वोटर हैं। यादव जी हो गए और मुस्लिम मतदाता हो गए, यहाँ पे यादव जी भी है। तो आपका क्या है कि साधु यादव को आप ऐसे सेलेक्ट किया? जितने विधायक लोग थे लोग क्या कर लिए लो, एक साधु यादव के ही कारण सब गोपालगंज में नया नया काम हुआ है। जैसे गुलंबर बन गया है, लाइट लग गया, रोड बन गया, ये सब साधु यादव के देन है। जब थे यहाँ पे तब काम बेहतर किए जी, बेहतर किए इस आधार पे मान लीजिए कि और इस वक्त हम तो बहुत छोटे थे। ये सब हमारे दादा बताए हैं या हमारे पापा बताए हैं, उन लोग का देन है ये कि साधु यादव को कभी बेटा सपोर्ट करना है। अच्छा एक बात बताइए, राजद से फिलहाल मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, इससे आप लोगों में कुछ नाराजगी भी? कोई नाराजगी नहीं है। हाँ कोई, मान लीजिए राजद को जो बेहतर विधायक लगा वही उसी को दिया गया है। जो राज कैंडिडेट जी जो राजू नेता तो कितने दिन से उठ ही रहे थे, उनको आज तक उनका टिकट नहीं कर पाया। और लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनको इस बात की थोड़ा मान लीजिए कि कसक है कहीं ना कहीं मुस्लिमों में कि भाई यहाँ से मुस्लिम किसी कैंडिडेट को नहीं दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पे? हम तो इस पे जिसको दिया गया वो पार्टी के मुताबिक तो सही दिया गया है। और आपके आपके मुताबिक? हमके मुताबिक तो राजू नेता ही को भी दिया गया है कि वो जिंदगी भर राजद का नेता को दिया जाना चाहिए था। वो जिंदगी भर राजू RJD का झंडा ढोए है। और जो अभी फिलहाल में यहाँ पे आए हुए हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी, जी ये भी तो राजद ही हैं जी। हैं तो हम उनको तो नहीं पहचानते हैं ना। आप नहीं पहचानते? नहीं पहचानते हैं। फर्स्ट टाइम में विधायक में लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है। और ये है एक लड़का जो कि साधु पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं और इनका कहना है कि हम साधु यादव जी को वोट करेंगे। अब खैर मान लीजिए कि इनके घर का माहौल इस तरह का होगा और इनका कहना है, चलिए सबसे पहली बात ये है कि ये विकास के लिए यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, ये एक बेहतर बात है। चलिए ठीक है। चलिए सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह हुआ। मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। चलिए क्या हाल है अभी गोपालगंज का पूरा, क्योंकि देखिए ये जो लोग भी युवा है ये लोग समाज में ही रहते हैं और समाज का गोपालगंज का जो नब्ज है उसे अच्छी तरीके से पहचानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इन लोगों का मत ले रहे हैं, ये लोग जो भी कहेंगे वो पूरे गोपालगंज का मत होगा। चलिए पहले मतदान पे बात कर लूं या फिर पूरे बिहार पे बात करूं? नहीं पहले हम गोपालगंज पे ही बात करेंगे। तो अगर गोपालगंज की बात है तो कुसुम देवी जी चुनाव जीत रही है और भारी से भारी मत से जीत रही है। आप उनके सपोर्टर हैं क्या? नहीं नहीं मैं एक
अगर देखा जाए तो आदमी एनालाइज कर लेता है कि कौन जीत रहा है। एनालाइज क्योंकि मेरा चूंकि मेरा शुरू से ही पॉलिटिकल रहा है, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी रहता हूँ। जनता की जो आवाज निकल रही है उस आवाज के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि जो भाजपा की प्रत्याशी है कुसुम देवी वो लीड कर जाएंगी। हम लोग कम से कम 20,000 वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, जो मान लीजिए कि भाजपा है जी, 20,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। जनता का तो कहना है कि सुभाष बाबू यहाँ पे धरातल पे कोई विकास का कार्य उतना किए नहीं है, तो कौन कर दिया है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, चलिए यहाँ पे चौबे जी है, आप लोग दोनों आसपास में आ जाइए। चौबे जी देखिए, सबसे पहले चौबे इनका नाम है, हम ये बता रहे हैं कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। आपके सभी दर्शकों का आभार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुभाष सिंह जी काम किए हैं, ये ऐसा लोग कह रहा है। तो बताइए कि 18 साल अगर कोई विधायक विधानसभा से जीत करके और पटना 18 साल लगातार जा रहा है, तो क्या सिर्फ विकास सड़क होना चाहिए? उनका मुद्दा सिर्फ सड़क और सड़क सिर्फ बनवा देना ये मुद्दा है और ये विकास है, तो हम नहीं मानते हैं। ऐसा विकास को हम नहीं मानते हैं। अरे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सड़क बनवाए हैं, मोदियों जी कह रहे हैं सड़क बनवाए हैं, गडकरी जी कह रहे हैं सड़क बनवाए हैं, सुभाष सिंह कहे हम सड़क बनवाए हैं। तो ये एक बात बताइए, बिहार में और भी तो मुद्दा है, और किसका चुनाव करें आप ही बता दीजिए। हम किसका चुनाव करें? क्या उसका चुनाव करें जो जीतने के बाद सदर अस्पताल में सांप काटने का इलाज का, सांप काटने के बाद सुई नहीं मिलता है, उसका चुनाव करें? वैसा विधायक को हम चुन लें कि सदर अस्पताल में हमको सांप काट लेता है, जाए तो वहां पे सुई नहीं मिलता, गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। क्या उसका चुनाव करें कि हम गोपालगंज के हैं, हम यहीं पे जन्म मेरा हुआ है और यहां से हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाकर के अपना ग्रेजुएशन किए हैं, क्या उसका चुनाव कर दें कि हमको फिर से इलाहाबाद और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इलाहाबाद जाना पड़े? बताइए क्या किसका चुनाव कर रहे हैं, किसका चुनाव करें? बोलिए बोलिए। मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम उसका चुनाव करें जो किसानों का नेता था, हम उसका चुनाव करें, क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे प्रदेश की हालत खराब है। पूरे प्रदेश में आज नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री है ना जी, क्या किए हैं, क्या किए हैं वो मुख्यमंत्री है? तो मैं उसका चुनाव करें जो आज तक कोई किसी का अपराध, कोई अपराध नहीं, अपराध अपराध नेता अपराध करने के लिए बना है क्या? सुनिए, नेता अपराध के लिए, सुनिए अब हमारी बात सुनिए, नेता तो कर नेता अपराध कर, अच्छा अपराधी नेता है गोपालगंज में, बहुत सारे कौन सा नाम बताइए, बहुत सारे अपराधी नाम बताइए, बहुत सारे। हम उसका चुनाव करें जो लोगों के लिए लड़ता है, हम उसका चुनाव करें जो किसानों के लिए लड़ता है, हम उसका चुनाव करें जो विकासों के लिए भी लड़ता है। और पूरे अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो नीतीश कुमार के कालकी पोतने, नीतीश कुमार के मुंह पे कालकी पोतने का काम कर रहा था मरौड़ा का चीनी मिल। और अच्छा ठीक है ठीक है, सुनिए अब हमारी बात सुनिए। भाजपा का जब गठबंधन प्रदेश का हालत खराब है, भाजपा का जब गठबंधन नीतीश कुमार से था तो नीतीश कुमार सही थे, नहीं थे। आज गठबंधन से टूट गए हैं तो नीतीश कुमार गलत हो गए हैं, यहाँ विकास को मुस्मात बना दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए तो जो भाजपा में थे, ठीक है ठीक है, हम ना हम सुनिए तो हम बता ना रहे हैं कि जब नीतीश कुमार से गठबंधन था तो भाजपा कह रही थी कि सबसे बढ़िया सुशासन की सरकार है और बेहतर रही थी, लेकिन जनता तो नहीं कह रही। अरे तो जनता तो आज कहती की है कि शिक्षा स्वास्थ्य का जो हालात है हम लोग देख रहे हैं पूरे बिहार में है। हाँ पूरे बिहार में। तो हम आप बताइए कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चुनते हैं कि विधायक को चुनते हैं? विधायक को चुन, विधायक हमारा माध्यम बनेंगे कि नीतीश कुमार बनेंगे, ये बताइए। लेकिन सारे सिस्टम को एक विधायक नहीं सुधार सकता। अरे सारे सिस्टम को नहीं, अगर एक विधायक चाहता तो गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय नहीं होता क्या? हमारी बहनें दर दर की ठोकरें खाती क्या? ये बात ये बताइए ना महाराज, आंख भर जाता है महाराज, ये बात दुख होता है कि गोपालगंज के युवा आज निकल के जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं महाराज, हमारे घर के लोगों को सांप काट लेता है तो हम गोरखपुर जाके महाराज सुई लेते हैं, कितना शर्म की बात है। ये बात, अरे एक चीज को ढोने का जरूरत है क्या? आप अगर बेहतर विकास चाहते हैं तो हर 5 साल में चुनाव होता है, तो हर 5 साल में कैंडिडेट बदलिए, और जब तक एक दूसरे के शरीर में डर नहीं बनेगा हारने का तब तक कोई नहीं हारेगा। आज राजू नेता की वजह से सुभाष सिंह जीते हैं, 25 जितना भी 18 साल 17 साल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजू नेता की वजह से रहे हैं। विरोध में अगर राजू नेता नहीं होते तो सुभाष सिंह 20 साल नहीं बनते। ऐसा किया विरोध में, अरे हिंदू मुस्लिम होता है भाई, हर बार होता है। इस बार देखिए, इस बार युवाओं का मुद्दा है कि जो विश्वविद्यालय देगा, देखिए इस बार अभी का जो उपचुनाव है अभी तो सकरवाने के लिए नहीं ना, हम सपोर्ट करेंगे, नौ कैंडिडेट है वो सबके सब, हम किसी का सपोर्ट नहीं करने वाले। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मैंने मुख से सुना है कि हिंदू मुस्लिम होता है, आज भी गोपालगंज में घूम रहे ऐसे लोग हैं जो इस विषय पर ही बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है। किसको दिखता है कि हिंदू मुस्लिम होता है?
किसको दिखता है हिंदू मुस्लिम होता है, कौन बोलता है कि विकास नहीं हुआ है, और मिल के बारे में क्या कहिएगा, मिल के बारे में, कौन से मिल के बारे में, चीनी मिल के बारे में, चीनी मिल क्या सुभाष सिंह चलवा रहे हैं क्या, चलवा रहे हैं। अच्छा अभी नहीं, किसानों के नेता था विधायक, अभी नहीं है, चल रहा है कि बंद हो गया है, बहुत ही चल रहा है, बंद हो गया कि चल रहा है, चल रहा है लेकिन आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा, आप चलवा दीजिएगा। अरे हम बिल्कुल, हम भी नेता हैं, हम भी चलवाएं, कितने बार जाके बैठे हैं, जब लोगों का पेमेंट रुक गया है तो बहुत बार बैठे हैं लोग, पेमेंट करवाने के लिए आंदोलन किए हैं, कब किए हैं, अरे आप भी बैठे हैं, आपको पता है कब किए हैं, एक बार बताइए, चलिए चलिए ठीक है ठीक है, अरे पटना ठीक है, विवाद विवाद अब जो भी हुआ है, ये जो उपचुनाव है इसके बाद से 2.5 साल बचा है, बिल्कुल बचा है ना कार्यकाल में, युवाओं को एक ही बात कहेंगे कि युवा इसमें परखें, इसमें किसी के सपोर्ट में नहीं आए युवा, युवाओं को इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें कि वो 2.5 साल में आपके विश्वविद्यालय की बात कर रहा है कि नहीं, अगर ये 2.5 साल में आपके स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा है कि नहीं, आपके 2.5 साल में आपके क्षेत्र के विकास के लिए बात कर रहा है कि नहीं, अगर सदन में जाएंगे कोई ना कोई तो जीत के जाएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 साल का समय है जो हमारे विश्वविद्यालय की बात सदन में उठा देगा, 25 में चुनाव होगा, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि 25 में खुलियाम घूमेंगे उसके लिए, यानी ये जो 2.5 साल है आप इसमें परखेंगे, हम बिल्कुल परखेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये बेहतर बात है, आप क्या कहेंगे, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, 2.5 साल परखेंगे, विगत हम लोगों ने 4 महीने पहले 5 महीने पहले ना जी हम लोग पटना जाने, पैदल पटना जाने का काम किए थे, वहां पे नीतीश कुमार के ना घर के सामने बैठे थे, लाठी से मार के भगा दिया गया, एक विश्वविद्यालय नहीं है, और इस बात का खेद है ना आदमी को, अगर आज हमारा विधायक बेहतर होता तो हम नीतीश कुमार के दरवाजे पे क्या करने जाते, हमने विधायक के दरवाजे पे जाते, लेकिन हमारा विधायक सुनने वाला नहीं था, इसलिए हम पटना गए, विश्वविद्यालय अगर दे सकता है तो राज्यपाल दे सकता है, सेंटर दे सकता है, राज्यपाल दे सकता है, विधायक नहीं दे सकता, हमारा विधायक को थोड़ी सी आवाज, बिल्कुल सदन में हमारी आवाज पहुंचाने का जो माध्यम है वो विधायक है, आप आवाज पहुंचाइए, चलिए अब हम लास्ट में चल रहे हैं, हालिया परिस्थिति में चौबे जी, जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे फिलहाल कौन 20 पड़ रहा है, देखिए 19-20 का तो हम टिप्पणियां नहीं करना चाहते हैं, हम तो आपसे पहले ही कह चुके हैं, ठीक है वो कह चुके हैं आप, ठीक है आप परखने की भी बात कह चुके हैं, तो आप किसे परखेंगे, सभी नेताओं को जो जीत के जाए, देखिए 9 प्रत्याशी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो थोड़ा क्रीम जाने, यानी क्रीम जो मथ कर निकाला जाता है, सबसे बड़ी क्रीम जानते हैं क्या है, गोपालगंज के धरातल का विकास सबसे ज्यादा क्रीम यही है, और इसी क्रीम को आप लोग खो चुके हैं पिछले 25-30-50 साल से, ठीक है ठीक है, और उसी क्रीम को वापस लाना है ना, तो 2.5 साल मात्र आप परखिए, हम यही कहेंगे, आप किसको परखेंगे, अगर परखना होगा देखिए परखेंगे, 9 आदमी है कैंडिडेट, भैया कैमरामैन, इसमें आप किसको जीत के नजदीक, हम तो वही तो कह रहे हैं ना, देखिए हम वो आंकड़ा सब बता रहे हैं, 9 आदमी कैंडिडेट है, 9 आदमी में से ऐसा नहीं ना है कि 4-5 को जीत जाएगा, सब एक से एक से एक ही जीतेगा, एक ही कोई जीतेगा, और जो एक जीतेगा वही सदन में जाएगा, और सदन में सभी लोग जानते हैं, चौबे जी आप बात को घुमाइए मत, आप थोड़ा डायरेक्ट जाल हटाना, लड़ाई कुसुम देवी, मोहन गुप्ता और साधु यादव में है, और ये तीन चीज है, और समझ लीजिए जो निर्णायक भूमिका जो ओबीसी के पार्टी के हैं, वही आ रहे हैं निर्णायक भूमिका में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, मुसलमान अगर राजद को वोट करते हैं तो राजद की गाड़ी निकलेगी, अगर मुसलमान साधु यादव राजद AIMIM ये 3-4 में बट जाएंगे, कुसुम देवी निकल जाएंगी, बिल्कुल निकल जाएंगी, क्योंकि देखिए सारा खेल यहाँ जात का है, जात का है, और एक जात और निर्णायक जो मोहन प्रसाद गुप्ता जी है वो बनिया है, बनिया वोटर जो है वो भाजपा के लिए जानी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या मोहन प्रसाद गुप्ता जी उसमें से वोट ले रहे हैं, बताए तो कि जब जातिवाद चरम पे है तो मोहन गुप्ता बनिया है, तो देखिए अभी तक कोई बनिया का कैंडिडेट नहीं आया था, तो आदमी यहाँ के भाजपा का दे देते थे, जो भी जनता है भाजपा को वोट करती थी, लेकिन अगर बनिया आए हैं तो गोपालगंज की जनता स्पष्ट जान ले कि जरूर 40-50-60% बनिया कटेंगे भाजपा से, हाँ भाजपा से कटेंगे और अपने बिरादरी को देखेंगे, तो यहाँ पे मोहन गुप्ता को थोड़ी सी मजबूती मिल सकती है, मजबूती मिल सकती है, लेकिन जो ओबीसी है थोड़ी उनकी चिंता बढ़ा सकते हैं, और जो साधु ओबीसी थोड़ी चिंता नहीं बढ़ाए हैं, ज्यादा ओबीसी कुसुम देवी की भी चिंता नहीं बढ़ाए हैं, ओबीसी सिर्फ और सिर्फ साधु यादव जी का चिंता बढ़ाए हैं, ओबीसी सिर्फ मोहन गुप्ता का चिंता बढ़ाए हैं, और ओबीसी जितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं सबकी चिंता बढ़ाए हैं, इसमें कुसुम देवी का कोई हानि नहीं होने वाला है उनको, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ बल्ले बल्ले बिल्कुल, चलिए चलिए आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे हम लास्ट में जान लेते हैं, आपका नाम क्या हुआ? टाइगर शाह। टाइगर शाह जी बनिया है का, चलिए
किधर जाएंगे बनिया जो समुदाय है वो? देखिए हम तो सबके साथ हैं जी। नहीं नहीं सबके साथ तो वोटवा तो एक ही को न देंगे, देना होगा हम बता देंगे जी। ठीक है, लेकिन हम तो अभी सबके साथ है, लेकिन जो गोपालगंज में विकास करेगा हम उसी के साथ हैं। ठीक है ठीक, ना कि जो मुंहचोर बन के रहे, थोड़ा इधर आ जाइएगा। हाँ। जो मुंहचोर बन के रहे अपना झोली भरे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। चलिए चलिए ठीक है, अभी फिलहाल में जो आप बनिया कास्ट से बिलोंग करते हैं, बनिया लोग क्या राजद की तरफ जा रहे हैं, यानी जो मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, या आप लोग कोर वोटर माने जाते हैं भाजपा के, किधर जा रहे हैं आप लोग? देखिए इस बात पर तो पूरे बनिया को तो हम नहीं लेकर चल सकते। ठीक है ठीक है, आप सिर्फ अपना बता सकते हैं। जहां तक देखा जाए तो हमको मोहन प्रसाद की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि नया चेहरा है गोपालगंज जिले का, बेहतर चेहरा है, यानी कुछ कुछ मौका कुछ देना। बनिया में से कुछ वो तोड़ेंगे? हाँ एकदम, हम सारे बनियों को कहेंगे कि एक नया चेहरा उठा है, उसको आप सपोर्ट करिए, कहीं गोपालगंज की बेहतर सोचता हो। चलिए वो ये जादव जी थोड़ा इधर आइए, रघुआ नहीं आई, नहीं आएंगे। रघुआ तो बेटा गोल बनी मोहाछे पर केकरा का वोट दे साधु यादव के जी के दे बाकी राजद के दे, माने लालू प्रसाद यादव जी के बोली। अब स्पष्ट हम पूछा था नहीं रहुआ, उतना भौजाल ना बुझाई। अगर ज्यादा साधु के वोट पड़ी हाँ तो साधु जी के दिया, अगर ज्यादा अगर जे गुप्ता का पड़ी हाँ तो उनके के दिया, गुप्ता के दिया जाए, यानी राजद से जी आई लल्टे ना लाके। अच्छा एगो बात बताई, ये जी विकास के स्थिति देखल जा तो के बढ़िया नेता बा? अब तो गुप्ता जी के कोनो पता नहीं झूठ का बोल जा, साधु जादू तो अच्छा काम किया है, अच्छा काम माने जब रहले तब काम से लोग खुश बा, पूरा जवार के लोग खुश बा, पूरा गोपालगंज के लोग खुश बा। तो अभी रउआ अगर अबगे वोट देवे जाए के होके तो रउआ केकरा के जाके दे दे बताई अब डायरेक्ट? इतना बुर्बक नहीं की जाए तो बुझा जाए कितना लोग वोट देता के दिया जाए, माने तो रहुआ दू जगह अभी दुए जगह जगह राजद के अथी के माने साधु यादव जी के। अच्छा 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 चलिए एगो और बात बताई, कमलो छाप के रहुआ वोट दिले बनी पहले दिले पहले माने मोदी वाला में, माने मोदी के चुनाव दिल्ली वाला चुनाव हुआ भैलो में कि यही वाला में सुभाष बाबू वाला में? सुभाष बाबू वाला में, ओहो में। अभी अगर रहुआ से पूछा कि के बीस पड़ी, भाजपा फूल वाला बीस पड़ जाये आकि लालटेन वाला बीस पड़ जाये कि साधु यादव बीस पड़ जाये, तो केकरा के रहुआ बताए? लड़ाई में जाये भोज पे लमटेन लमटेन, तो के में से बीस पड़ा तो अभी नजर आवत अभी के बता दिया माने मुस्लिम लोग कहने जाता जी? अभी मुस्लिम लोग क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है वो कि मुसलमान कैंडिडेट पर जाय लो कि राजद में जाय लो, अभी क्लियर नहीं है ना, कॉन्टेक्ट तो नहीं देख लो, पार्टी देख लो, पार्टी देख लो। चलिए चलिए ठीक भाई, यहाँ के यादव जी सीधा आदमी बानी, सीधा तरीका से बतियावतनी आई और यहाँ पे आ चुके हैं आप, थोड़ा इधर आ जाइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज अली। शाहनवाज अली जी आप तो यहाँ के वोटर हैं गोपालगंज के, क्या कहेंगे आपके जो ओबीसी के पार्टी से है यहाँ पे खड़ा हो चुके हैं एक कैंडिडेट जी, और राजद मान लीजिए कि राजद के आप लोग कोर वोटर माने जाते हैं, यानी उसके वोटर आप लोग माने जाते हैं, किस तरफ जाएंगे इस बार आप लोग? हम लोग उस तरफ जाएंगे जो विकास के लिए हमारा काम करेगा, विकास के लिए हम लोग को विश्वविद्यालय का मांग है, हॉस्पिटल के लिए मांग है, जो हम लोग ये देगा चाहे वो ऐसी का हो, राजद का हो, बीजेपी का हो, कुछ भी का हो, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो आप किसी से भी कहेंगे कि भाई यहाँ पे ताजमहल बनवाना है तो साकार लेगा? हाँ, अभी तो हम लोग को झांसे में नहीं जाना है, अभी तो साकार लेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग जो मुस्लिम समुदाय है किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? अभी देखिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जो हम लोग के लिए विकास का काम करेगा हम लोग देखेंगे, को जो कैंडिडेट हम लोग को अच्छा लगेगा हम लोग उसको वोट देंगे। अच्छा, जो ओबीसी के पार्टी के यहाँ पे आए हुए हैं वो भी मुस्लिम वोट तो कुछ लेंगे? नहीं तो हम लोग को जातिवाद पे जाना नहीं ना है, जातिवाद पे तो जाएंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा, सब कोई बोलेगा ये मेरे दे दो हमको दे दो, काम बिगड़ जाएगा जातिवाद पे, हम लोग को विकास चाहिए, जो हम लोग को नजर में विकास के लिए। अच्छा, नेता जो भी कैंडिडेट आप देख रहे हैं या
तीन चार कैंडिडेट तो हैं जो जीते हारे हुए हैं, इनमें से बेहतर आपको कौन लग रहा है जो विकास कर सकता है? अभी तो हमको विकास साधु यादव भी कर सकते हैं, चाहे आने वाले में ये कुसुम देवी भी कर सकती हैं, बाकी तो नया नेता लोग हम जानते नहीं कि जो कुछ किया ही नहीं है, तुम किसको जानते हैं? हाँ, ये लोग काम किया है, साधु जादु नेता है भाई, कहीं भी खड़ा हो जाते हैं, किसी के भी मुसीबत में खड़ा हो जाते हैं। कुछ राजद का कुछ खेल जो है वो वैसी की पार्टी के जो खड़े हैं वो बिगाड़ सकते हैं। हाँ तो बिगाड़ेंगे, लेकिन जो अपना कार्यकर्ता जो सही रहेगा, जो इसको विकास चाहिए वो नहीं बिगड़ जा सकते उधर, नहीं तो बहुत लोग है कि भटकाने में भटक जाते हैं, वो जाति पे जाते हैं। ये तो हमारे बिहार की हकीकत है। हाँ। चाहे वो किसी भी जाति के हो गए, चाहे राजपूत हो गए, पंडित हो गए, या मुस्लिम हो गए, या यादव जी हो गए, अपने अपने जाति की तरफ जाते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि मुस्लिम में से भी वो वैसी की पार्टी में जाएंगे? कुछ लोग जा सकते हैं, जिसको अगर विकास का टेंशन होगा तो जा ही सकते हैं, जाति को जो जाति को देखता है वो तो जाएगा। और मान लीजिए कि जो विकास को देखता है वो इधर उधर देखेगा। हाँ। कि भाई इनमें से कौन बेहतर है। चलिए चलिए ठीक है, तो लास्ट में अब तो मान लीजिए कि जो वीडियो है हमारा बहुत लंबा हो चुका है, और इस वीडियो के माध्यम से जो गोपालगंज का नब्ज, इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है, जो यहाँ के वर्तमान है उनके प्रति नाराजगी भी है और बहुत से लोग सपोर्ट में भी है। फिलहाल यहाँ पे जो लड़ाई है वो तीन चार लोगों के बीच में है। अब देखना है ये 6 तारीख को स्पष्ट पता चलेगा कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। चलिए हम फिर मिलते हैं।